अब मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ताकेशी फूजी को अपने विचारों को प्रकट करने के लिए आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। ありがとうございました。続きまして東京外国語大学大学院ヒンディ語専攻担当の藤井武先生に祝辞のお言葉を頂戴したく存じます。バルト系統マハマヒ、シュリー・スチャンチュージ、オール・マニエ、バルト系ラシュリカノ、オール・イッサバ・ダハルメン・パスティ・パダレ、アドルミエ・アティキオ、オール・デリオ、オール・サッチェノン。 ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, आज हम भारत के राजदूत आवास में विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज की ओर से हार्दिक बधाइयों के साथ शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसे कि अब श्री गौरव गुप्ता जी ने आप लोगों से मेरा परिचय कराया, मुझे टोक्यो यूनिवर्सिटी फॉरेन स्टडीज में हिंदी पढ़ते पढ़ाते लगभग 42 साल हो गए। इसीलिए मेरे लिए ये बहुत गौरव और हर्ष की बात है, आज इस समारोह में मुझे आमंत्रित किया गया है और भाषण देने का मौका भी दिया गया है। पिछले साल 2016 के नवंबर में जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जापान में पधारे, तब जापान और भारत के दोनों सरकारों के बीच ये निर्णय किया गया था कि सन 2017 को जापान भारत मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाया जाए। ये भी ध्यान देने योग्य है कि इस साल 2017 जापान भारत के राजनीतिक संबंध के 65वें वर्षगांठ का सार ही है। इस महान प्रयोजन के अंतर्गत साल भर तरह तरह के प्रोग्राम मनाए जाएंगे। यह बहुत खुशी की बात है कि आज इन प्रोग्रामों के शुरुआत के रूप में यहां विश्व हिंदी दिवस समारोह मनाया जा रहा है और इसमें हमारी यूनिवर्सिटी में हिंदी सीखने वाले छात्रों द्वारा एक हिंदी नाटक का मंचन किया जा रहा है। ये खुशी इसीलिए और बढ़ जाती है कि जापान भारत के संबंध के इतिहास में हिंदी भाषा और हमारी यूनिवर्सिटी विशिष्ट काम करते आई है। जापान में हिंदी के अलावा भारतीय भाषाओं की पढ़ाई का बहुत पुराना इतिहास है। जापान में सबसे पहले हमारी यूनिवर्सिटी में 1908 में हिंदुस्तानी भाषा और तमिल भाषा की पढ़ाई शुरू की गई है। आपको ये जानकर आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता जरूर हुई होगी कि जापान में भारतीय भाषाओं की पढ़ाई की परंपरा को आरंभ हुए इस साल 109 साल पूरे हो गए हैं। तब से आज तक द्वितीय महायुद्ध के दौरान भी हिंदुस्तानी भाषा की पढ़ाई में किसी प्रकार की व्यवधान नहीं आए, बल्कि उसमें जापानी लोगों के मन में रुचि और अधिक बढ़ गई है। ये रुचि इसीलिए बढ़ गई है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जापानी लोगों के मन में सहयोग और सराहना का भाव था। तभी तो टोक्यो शहर प्रवासी क्रांतिकारियों के एक केंद्र के रूप में बढ़ आया। जापान में समय समय पर भारत से स्वतंत्र सेनानी आते रहे। इन लोगों में मोहम्मद बरकतुल्ला, रासबिहारी बोस, महेंद्र प्रताप, लाला लाजपत राय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि का नाम बहुत प्रसिद्ध और सर्वविदित ही है। बरकतुल्ला भोपाली साहब ने हमारी यूनिवर्सिटी में द्वितीय अतिथि प्रोफेसर के हैसियत से हिंदुस्तानी भाषा पढ़ाने के साथ साथ एक अंग्रेजी मासिक पत्रिका इस्लामिक फ्रदांति का संपादन कार्य भी किया था। नवंबर सन 1944 में हमारी यूनिवर्सिटी में नेताजी का आगमन हुआ था तथा उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी के छात्रों के सामने अपने एक ऐतिहासिक भाषण भी दिया था। हमारा विश्वविद्यालय
हमारा विश्वविद्यालय के छात्र और अध्यापकों ने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले इन सेनानियों के साथ भाषा से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने में बहुत बड़ी सहायता की। इस सहायता का सबसे बड़ा पक्ष था सेनानियों के साथ रहकर एक द्विभाषीय का काम करना। नेताजी के आजाद हिंद फौज में के सेनानियों के बीच हमारे विश्वविद्यालय के छात्र द्विभाषीय के रूप में काम करके अपना सहयोग दे रहे हैं। इसी तरह जापान में हिंदी और भारतीय भाषाओं के अध्यापन का इतिहास सिर्फ काफी पुराना ही नहीं बल्कि गहरे स्तर पर भारत जापान के संबंध से जुड़ा हुआ है और इस संदर्भ में हमारी यूनिवर्सिटी पूरे जापान में विशिष्ट और अद्वितीय ही है। इस तथ्य से ये भी कहा जा सकता है कि ब्रिटेन और फ्रांस के बाद जापान ऐसा तीसरा देश है जिसके पास भारतीय भाषाओं की पढ़ाई का बहुत पुराना इतिहास है। पर लेकिन हमारे इतिहास के विशेषता ये है कि हिंदुस्तानी भाषा की पढ़ाई उस समय की जापान की औपनिवेश नीति से कोई संबंध नहीं रखती थी कम से कम ब्रिटेन के मुकाबले। इसी तरह हमारी यूनिवर्सिटी भारत जापान के संबंध का सिर्फ साक्षी ही नहीं सहचर भी रही है। आने वाले सन 2023 हमारी यूनिवर्सिटी की स्थापना के 150वीं वर्षगांठ का सार है। आज आपके सामने जो छात्र हिंदी नाटक का मंचन करेंगे वे इस लंबी और गौरवपूर्ण इतिहास के सबसे अग्रे हिस्से के नौजवान हैं। इनके अभिनय को देखने से आप लोगों को अच्छी तरह पता चलेगा कि अब विश्व हिंदी की अवधारणा सचमुच ही सार्थक हो गई है। सौहार्दपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक संबंध को बनाए रखने के लिए एक दूसरे के संस्कृति पर गहरी जानकारियों की आवश्यकता होती है। इसके लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जापान में हिंदी भाषा का शिक्षण और वहां भारत में जापानी भाषा का शिक्षण ये काम निश्चित रूप से करते आया है और अब भी कर रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है भविष्य में भी करते रहेगा। अंत में इन छोटे वाक्यों के साथ मेरा भाषण समाप्त करना चाहता हूं। हिंदी बने सेतु ब्रिटेन की सारा बस्ता एक ब्रिटेन है। धन्यवाद।